बोइंग ने शुक्रवार को भारत की कोविड-19 प्रतिक्रिया का समर्थन करते हुए 10 मिलियन यूएस डॉलर का आपातकालीन सहायता पैकेज की घोषणा की है। कोविड-19 के से जूझ रहे समुदाय और परिवारों के लिए चिकित्सा आपूर्ति और आपातकालीन स्वास्थ्य देखभाल सहित राहत प्रदान करने वाली संस्थाओं को बोइंग की सहायता निर्देशित की जाएगी। बोइंग के सीईओ डेव कैलहन ने कहा, कोविड-19 महामारी ने दुनिया भर में समुदाय को तबाह कर दिया है और हमारे दिल भारत में हमारे दोस्तों के लिए चले गए जो बहुत कठिन समय से गुजर रहे हैं। बोइंग एक विश्व नागरिक है और हम भारत में हम इस हालिया मामलों से प्रभावित समुदायों के लिए हमारी महामारी की प्रतिक्रिया का निर्देशक कर रहे हैं। बोइंग ने ये कहा कि ये चिकित्सा सरकार और सार्वजनिक स्वास्थ्य विशेषज्ञों के परामर्श के सबसे बड़ी जरूरत वाले क्षेत्र में 10 मिलियन डॉलर की तैनात करने के लिए स्थानीय और अंतर्राष्ट्रीय राहत संगठनों के साथ साझेदारी करेगा। कंपनी ने एक बयान में कहा कि उसके कर्मचारियों ने के पास भारत में कोविड-19 राहत का समर्थन करने वाले धर्म धर्त संगठनों के व्यंग्यत रूप से दान करने का भी अवसर है। बोइंग गिफ्ट मैच कार्यक्रम के हिस्सा रूप में कंपनी भारतीय लोगों को दी जा रही सहायता की पहुंच का विस्तार करते हुए डॉलर के लिए मैट्रिक दान डॉलर का मिलान करेगी। बोइंग न केवल इस महामारी का सामना करने के लिए अपने प्रयासों में भारतीय लोगों के साथ एकजुट में खड़ा है, हम समाधान का एक हिस्सा होंगे। हम भारत में महामारी की प्रतिक्रिया को निगरानी करने जारी रखने और इस संकट के माध्यम से अपने कर्मचारियों ग्राहकों और भागीदारियों का समर्थन करने के लिए काम करेंगे। इससे पहले मास्टरकार्ड ने भारत में कोविड-19 प्रतिक्रिया प्रयासों के लिए 10 मिलियन डॉलर की सहायता की घोषणा की थी। सो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके उस बेल आइकन को दबा दीजिए जिससे कि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सो फ्रेंड, अब मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।